अगर किसी पेरेंट्स को लगे कि भाई गर्मी ज्यादा हो रही है या मेरे बच्चे इतना नहीं सहन कर पाए, तो अगर उसको कोई अटेंडेंस में या उसको कोई इशू है तो ऐसा इस पर्टिकुलर पीरियड में कोई अटेंडेंस का इशू भी नहीं क्रिएट होगा, वो भी आप निश्चित करो। हमें पूरा यकीन है जिस तरह से 3 महीने लगी हुई है इस समय से पूरा हो जाएगा। और जैसे उमेश आपने बताया कि ये केवल यही नहीं, सभी जो प्रोजेक्ट्स हमारे स्मार्ट सिटी के जो अंदर गए उनमें तेजी आपने देखी होगी कि ब्रिज इसकी देखो तो हमें गांधरबल से आया है जिसमें बेच कर उसको पीडब्ल्यूडी के साथ टेकअप किया गया है। इसके अलावा ये जो ब्रिज आप देख रहे हो आज से तो है तो बहुत सालों से, और अभी अगर ऐसे हाथ से आ रहे हैं तो उसको चेक कर रहे हैं कि कौन से हमें एरिया में लगाने हैं नहीं लगाने हैं। तो हमारे देखिए इसमें दोनों चीज़ें होती है, एक आप पूरा टाइम आपका जो पूरा सिलेबस है वो तो आप कंप्लीट करा रहे हैं ना, और स्कूल की टाइमिंग देखते हुए चेंज भी करा दिया है उसको, अब 1 बजे तक करा दिया है। अब बहुत से पेरेंट्स कहने लगे कि बच्चों की नींद नहीं पूरी हो रही है, अब और आप अभी हम बात कर रहे हैं उसके बाद आप जब सर्दियाँ आएंगी फिर आप मुझसे कहोगे साहब सर्दियाँ पहले आ गया पहले छुट्टी पूरी कर दीजिए, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, बच्चों का भी देखना है उनका करिकुलम भी देखना है सभी चीज़ का। तो अभी जैसा आप जानते हो कि मौसम ठीक है रहा था इसके लिए उसकी स्कूल टाइमिंग चेंज कर दी, लेकिन अभी जो मौसम विभाग बता रहा है अभी संडे की शाम से जो है मौसम करवट लेगा, ठीक होने वाला है। और अगर उस समय ठीक नहीं हुआ ये डिसीजन तो हमें मतलब कुछ ही मिनट लगते हैं कि हाँ भाई छुट्टी डिक्लेयर कर दो, ठीक है वो हमारे लिए बहुत ईजी है, लेकिन सारी चीज़ें देखनी होती है। इसके अलावा एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर किसी पेरेंट्स को लगे कि भाई गर्मी ज़्यादा हो रही है या मेरे बच्चे इतना नहीं सहन कर पाएगा, तो अगर उसको कोई अटेंडेंस में या उसको कोई इशू है तो वो ऐसा इस पर्टिकुलर पीरियड में कोई अटेंडेंस का इशू भी नहीं क्रिएट होगा, वो भी आप